आज खाने में क्या बना रहे हो आप स्पेशल? आज सुबह की बहुत सारी रोटी बच गई थी, तो मैं आज रोटी को कुछ अलग स्टाइल से छोक रही हूँ। देखो, इसके लिए मैं ये सरसों का तेल ले रही हूँ, अराउंड 2-3 टेबल स्पून। तेल गरम हो रहा है हमारा, सरसों का तेल है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसे हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये राई और जीरा। छोटी हुई रोटी बना रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्ची कुटी हुई। ये जो छुकी हुई रोटी है इसकी यही स्पेशलिटी है कि मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालती हूँ, बाकी किसी छुकी हुई रोटी में हम ये नहीं डालते हैं। इसमें मैं ये डाल दूंगी प्याज, ये 2 प्याज मैंने काट लिए हैं। अब ये प्याज थोड़े सॉल्टेड हो गए हैं, इसमें मैं डाल दूंगी हमारे टमाटर। इनको भी हमने रफली चॉप किया है, क्योंकि जब हम इनको रोटी डाल के पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। इसमें ये हम हींग पाउडर डाल देंगे, ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये इसमें मैं अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर डाल दूंगी और कर लूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, हमें इतना पानी आराम से चाहिए। सुबह की ठंडी रोटियां हैं ये, मैंने तोड़ ली है इस तरीके से, अब ये भी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। ये पानी और डाल देंगे हम, इसे पूरा अच्छे से पानी में सोक कर देंगे, डुबो दूंगी। देखिए तेज आंच पे अब इसे पकने देंगे। ये देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आएगा। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, 5-7 मिनट और लगेंगे फिर ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये थोड़ा जो पानी दिख रहा है ये पूरा एकदम थोड़ा सूख जाएगा और ये रोटी एकदम नरम हो जाएगी और फिर हम इसे खा सकेंगे। हम 5 मिनट और इसे पकने देते हैं। कि हमारी जो रोटियां हैं वो बिल्कुल पक गई हैं, पानी भी पूरी तरीके से सूख गया है और हमारी ये डिश बनके तैयार है। इसे हम घी और धनिया पत्ती के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास धनिया पत्ती है नहीं, तो मैं इसे यूं ही घी के साथ सर्व करूंगी। आपके पास धनिया हो तो उस पर डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये डिश। अब हम इसे हमारे होस्ट को बोलते हैं कि वो चख के बताए कि कैसी बनी है। तो टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। दीदी तो हमेशा अक्सर जो आप बनाते हो उससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है, टेम्प्टिंग लग रही एकदम। देखिए गीली गीली एकदम, बहुत बढ़िया है टेस्ट इसका। मैंने गरम गरम में खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। मैंने बोला था ना ये सूखी वाली जो हम चुकी रोटी बनाते हैं उसका टेस्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेना पड़ेगा इसका तो। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। गाइस ये रेसिपी आप ट्राई करें, घर पे बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको कैसी लगी है। बाय बाय।